वो जो छो में बोलेगा वो सच्चाई बोलेगा, वो धोखा नहीं करेगा। खरिया हमेशा कड़वा होता है, प्रेम हो दो लाले तो धोखा कौन देवे है। जब चल कपटी दोस्ती होगा तो मित्र होगा तो वो तो धोखा देगा है। लकड़ी काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। लकड़ी को काटने में कुल्हाड़ी का तो वैसे नाम आया, असल में तो लकड़ी ने लकड़ी को कटवाया। सो आइए इन्हीं विचारों पे चर्चा करते हैं, बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिक व जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। राम राम बुजुर्गो। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेंद्र जी। सुरेंद्र मेरा भाई। अच्छा, क्या बात है जी, नाम राशि टकर गए हैं। कितने साल की उम्र होगी आप? 52 साल की एज होगी। 53 साल की उम्र। सेम एज होगी आपकी दोनों की। तो हमारे ना जी दो सवाल हैं। कहते हैं कि ना दुश्मन से ज़्यादा दोस्त खतरनाक होता है। ठीक कहो जी। कैसे बताओ? दुश्मन से तो चुकन्ना रहेगा। चुकन्ना रहेगा। अरे भाई दोस्त तो वो धोखा दे के जब हमारे जा चोट। मतलब दुश्मन तो ज़्यादा दोस्त खतरनाक हुआ है ना। और एक बात और है जी, कहते हैं कि ना कड़वा बोलने वाले से मीठा बोलने वाला खतरनाक होता है। खतरनाक हुआ भाई। कितनी सच्चाई है इस बात में? वो अपने मन की बात नहीं बताओगा हाँ भाई। हैं मीठा बोलने वाला, बोलने वाला तो मीठा बोल लेगा और नीचे के से जड़ काटेगा। और वो जो छो में बोलेगा वो सच्चाई बोलेगा, वो धोखा नहीं करेगा। खरिया हमेशा कड़वा होता है हाँ। खास बात है यार। मतलब इसीलिए कि ना दूसरों दुश्मन से ज़्यादा तो दोस्त अपने जो पास रहता है ना वही खतरनाक होगा भाई। दुश्मन से तो चुकन्ना रहेगा मान से, वो दोस्त के गिल्ला रहना पड़ेगा, वो जब धोखा दे देगा। सच्चा प्रेम हो दो लाले तो धोखा कौन देवे है। जब चल कपटी दोस्ती होगा तो मित्र होगा तो वो तो धोखा देगा है। तो आप कभी कोई दोस्त हो गया होगा जिंदगी में? जिंदगी में दोस्त बतेरे, फिर सच्चा दोस्त नहीं मिला है हाँ भाई। सच्चा दोस्त पाया नहीं है इतनी हमने, पाया नहीं है, सबने धोखा दिया है। हाँ धोखा। आओ फिर कैसे कोई ऐसे एक मित्र का नाम जिसने बस नू भाई कहेंगे नाम गिनावा जी नाम लिवाओ भाई किसी का ना। गलत सही बात है जी। गलत हो जा भाई फिर तो इसलिए ठीक है अपना नहीं ठीक है। अपना वर्ग्यात्मा का निशान नहीं टकराया हाँ भाई जी। मारा वर्ग्यात्मा का निशान नहीं टकराया है हमार सच्ची आत्मा के निशान। ना दापा झूठ बोलिया करते भाई है, ना अपना झूठा सुहाया करता कि ना अपन झूठे कर के दोस्ती घनी लंबी करी। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात सुन के आपकी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना है तो पीठ मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि धोखा और शाबाशी दोनों पीछे से मिलते हैं। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।